students, students of 4th standard, we are going to start our English chapter 1. So, name of the chapter is the giving tree. पेड़ मतलब देने वाला पेड़. अब देने वाला पेड़ मतलब हमें कुछ ना कुछ वो देता ही है. यहाँ पे दिया हुआ है टेक हाउ यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, डिस्कस इन क्लास व्हाई डू यू फील सो. अब आप कैसा फील करते हैं, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, खुश रहते हैं. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है, बाकी के तो आपको छोड़ देना है. अब यहाँ पे हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर थिंग्स विद अदर्स, आप जब किसी के साथ अपनी चीज़ें बांटते हैं तो आप कैसा फील करते हैं. रीड द स्टोरी टू नो अबाउट अ गिविंग ट्री, उसी से संबंधित ये स्टोरी है कि ये पेड़ जब लोगों को कुछ देता है तो वो कैसा फील करता है. सो लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी. वंस देयर वॉज ए ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय. एक बार एक पेड़ हुआ करता था, वो पेड़ जो है एक छोटे बच्चे से, एक लड़के से बहुत प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी, रोजाना वो लड़का वहाँ पर आता, पेड़ के साथ खेलता और उसकी कंपनी को, कंपनी यानी उसका साथ, पेड़ का साथ उसको बहुत अच्छा लगता था. अब क्या होता है, देखिए दोनों पेड़ और बॉय के बीच में कन्वर्सेशन भी बताई गई है. कम हियर माय बॉय, क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस. अब पेड़ उसे बोलता है कि आ जाओ मेरे बच्चे, तुम मेरी ट्रंक यानी ये जो तने हैं, ये तने को पकड़ लो और इस पे झूला झूलो, और मेरी डालियों को पकड़ के तुम झूला झूल के आनंद लो. फिर ये लड़का क्या बोलता है, व्हाट फन, यानी कितना मज़ा आएगा. अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड. जब लड़का थक जाता था तो उसी पेड़ के नीचे सो जाता था. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड, पेड़ अपने आप को बहुत खुशी महसूस करता था कि वो किसी को छाया दे रहा है. टाइम वेंट बाय, द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. इस तरह से टाइम बीतते गया और लड़का बड़ा हो गया, बड़ा हो गया लड़का वहाँ से चला गया. फिर क्या होता है देखिए नेक्स्ट, After some years, the boy came to the tree and the tree was very happy. अब कुछ साल बीत जाने के बाद वो लड़का वापस वहाँ आया, उस लड़की को देखकर पेड़ को बहुत खुशी मिली. फिर क्या होता है देखिए दोनों के बीच में कन्वर्सेशन, क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. अब पेड़ ने फिर से उसे यही कहा कि आ जाओ बेटा मेरे ट्रंक को पकड़ कर तुम झूला झूलो और ब्रांचेस पे लटक के झूले झूलो. आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी. अब लड़का पेड़ से क्या कहता है, बोलता है कि अब मैं झूला झूलने के लिए या खेलने के लिए नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. ऐसा कौन कहता है, लड़का कहता है पेड़ से. अब देखिए पेड़ का क्या जवाब होता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट देन यू विल हैव मनी. पेड़ कहता है कि देखो बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. कैसे कर सकता है, उसने कहा मेरे पेड़ में एप्पल्स हैं, एप्पल्स को तुम तोड़ ले जाओ, उसको मार्केट में बेच लो और उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. तो यह हो गया आपका फर्स्ट पेज.